हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाटा ऑटो टेक में। दोस्तों, मैं आपको मेरे वर्कशॉप की थोड़ी सी झलक दिखाना चाहता हूं, और ये मेरा वर्कशॉप है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात आज हम करने वाले हैं, और ये एक्सीडेंट गाड़ी है पलटी खाई हुई, आज इसी के ब्रेक के ऊपर हम बात करेंगे। हैंड ब्रेक जो डायफ्राम कुप्पा होता है उसी पे आज हम इस पे बात करेंगे, डायफ्राम पे, दोनों डायफ्राम और मॉड्यूलर वाल पे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो में लॉजिक ना ढूंढिए। अगर मैं इन चीज़ों को खोल खोल के रिपेयर कर करके दिखाऊंगा तो मेरे हिसाब से आप कुछ नहीं समझ पाओगे, लेकिन जो मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है। देखो, मेरे हिसाब से जैसे ये मॉड्यूलर वाल है, अगर ये किसी को भी कहो ना कि इसको बदलना है तो मेरे हिसाब से कोई भी बदल देगा, कोई हेल्पर भी बदल देगा। डायफ्राम बदलना है कोई भी बदल देगा, कोई बड़ा मैटर नहीं है। क्राउन बदलना है कोई भी बदल देगा, लेकिन इनमें मिस्टेक ढूंढना मुश्किल है कि इनमें जब प्रॉब्लम हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं आपको उस प्रॉब्लम के बारे में ही आज बताने वाला हूँ, और जो बंदा प्रॉपर प्रॉब्लम पकड़ना सीख गया गाड़ी में वो 100% मैकेनिक हो जाता है। सो दोस्तों, मैं आपको बताता था हूँ, कई बार क्या होता है, गाड़ी हमारी ऑटोमेटिकली ब्रेक जो है पकड़ने लग जाती है, और ये जो मॉड्यूलर वाल है कई बार ये यहाँ से लीकेज होने लगता है, ब्रेक बिना ब्रेक दबाए ये यहाँ से वाल जो है दोनों कई बार लीकेज हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि ये वाल ख़राब हो गए हैं। और कई बार हम ये वाल भी बदल देते हैं फिर भी वो वाल लीकेज होता है, और कई बार गाड़ी ब्रेक भी पकड़ती है, और क्योंकि ये प्रेशर का फंडा है ये इतना जल्दी किसी के समझ में नहीं आता है। चलिए, इसका छोटा सा पार्ट आज हम समझेंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी रहने वाली है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो ज़्यादातर डिमांड पे बनाता हूँ। मेरे यार दोस्त और भी मैकेनिक भाई है, वो लोग बताते हैं, कई बार फ़ोन करके पूछते हैं, भाई इस गाड़ी में ये दिक्कत हो रही है, इसमें ये दिक्कत हो रही है, तो मैं उसी हिसाब से फिर मैं उनको बता भी देता हूँ और वीडियो भी बना देता हूँ, क्योंकि मुझे शायद ऐसा लगता है कि शायद मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आपको कि कई बार क्या होता है, मैंने आपको बताया वो वाल लीकेज होता है। अब लीकेज होने का कारण बता देता हूँ, ये डायफ्राम जब ख़राब हो जाता है ना तब भी वो वाल लीकेज हो जाता है। अब कैसे कैसे चेक करोगे कि ये चीज़ जो है लीकेज क्यों हो रहा है और इसकी वजह से कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, इसमें दो पाइप ये लगे हुए हैं, एक पीला और एक ये हरा। जो पीला पाइप है वो ब्रेक का पाइप है और ये हैंड ब्रेक का पाइप है। अगर ये डायफ्राम ख़राब है, इसकी वजह से अगर वो लीक हो रहा है तो कैसे हो रहा है, अगर वो वाल लीक है तो आप सबसे पहले जो है ब्रेक वाले पाइप को खोलोगे, इसको, इस पाइप को खोलने के बाद आप हैंड ब्रेक को छुड़ा लोगे, यानी हैंड ब्रेक को ऑन ऑफ कर दोगे। जब हैंड ब्रेक को आप ऑन करोगे उस समय आप चेक करोगे इस पाइप को, अगर इस पाइप में प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रेशर आता है तो समझो ये डायफ्राम जो है ख़राब है। अगर यहाँ पे प्रेशर आएगा तो फिर क्या होगा, गाड़ी ब्रेक पकड़ने लगेगी, क्योंकि प्रेशर ब्रेक वाली पाइप में बिना दबाए अगर अंदर से ही प्रेशर घूम के वापस ब्रेक के पास इसमें चला जाएगा तो गाड़ी ब्रेक भी पकड़ने लग जाएगी। और ज़्यादा लीकेज होगा तो क्या होगा, ये यहाँ से होके प्रेशर जो है रिटर्न इसी पाइप में, यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा इस मॉड्यूलर वाल के पास में। जब मॉड्यूलर वाल में प्रेशर आ जाएगा यानी उल्टा प्रेशर आएगा तो ये वाल यहाँ से लीकेज मार देगा। अच्छा, ये चीज़ नॉर्मल है, बहुत सी गाड़ियों में होती रहती है, और बहुत से मेरे दोस्तों ने भी, मैकेनिक भाइयों ने भी मुझे फ़ोन पे पूछा है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी भी मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। अच्छा, इसमें अगर राइट साइड का अगर डायफ्राम लीकेज होता है तो ये राइट साइड वाला ही मॉड्यूलर वाल जो है लीकेज होगा, अगर लेफ्ट का होता है तो लेफ्ट वाला ही लीकेज होगा। अच्छा, अभी मैं इसमें थोड़ा सा आपको और बता दूँ, ये जो पाइप है आगे से आ रही है ड्यूल वाल से सीधी, ये यहाँ पे इस ब्रेक वाले वाल में आती है, फिर ये जो वाल है इन दोनों को प्रेशर देता है, इन दोनों को प्रेशर दे के ये दोनों वाल जो है
सीधे डायफ्राम को प्रेशर देते हैं, और हैंड ब्रेक की जो पाइप है वो सीधी आगे से आ रही है, आगे एक हैंड ब्रेक वाल और लगता है उसमें से, और हैंड ब्रेक वाल में जो है आगे जो हैंड ब्रेक वाल होता है मेन हैंड ब्रेक वाल लीवर, वहाँ से प्रेशर आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ आ रही होगी, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको और भी इस पर क्लियरली वीडियो बना के बताऊँगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।